शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील के ग्राम पनिहार में जहां शासकीय भूमि सर्वे नंबर 363 पर भूमाफिया द्वारा जंगल की भूमि से पेड़ पौधे नष्ट कर अवैध उत्खनन की कार्यवाही की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर तहसीलदार ने पहुंचकर जब्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया। तहसीलदार खनिया थाना दिनेश चौरसिया, नायब तहसीलदार अरुण गुर्जर, पटवारी अनिल सुरेंद्र पॉल, रीडर अमित जैन, अनिमेश जाटव सहित राजस्व अमले ने नवागत SDM के निर्देशन में शासकीय भूमि पर अवैध खनन कर रही JCB को जब्त कर थाना खनिया थाना सुरक्षा में रखा गया है। पूरे मामले पर देखिए क्या कहा तहसीलदार दिनेश चौरसिया ने। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कि एक ग्राम पनिहारा की शासकीय सर्वे नंबर था 639, उस पर ये JCB अवैध रूप से उत्खनन कर रही थी। सूचना प्राप्त होने के बाद हम राजस्व अमले के साथ वहाँ पहुँचे, उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया और उसको जब्त करके थाने में रख दिया गया है। उस पर कार्रवाई की जा रही है और प्रतिवेदन खनिज शाखा की ओर भेज दिया। इधर ये जिसकी JCB थी उसके द्वारा कहा जा रहा है कि JCB चल नहीं रही थी, खड़ी थी खाते में। नहीं, चल ही रही थी और बहुत सारा उत्खनन भी किया हुआ है वहाँ पर, तो उसका पूरा फोटोग्राफ वगैरह भी निकलवाए हैं और उसकी जो मेजरमेंट करवाया गया है तो वो सब खनिज शाखा के लिए भेज दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।